family number one. चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो चांद के पार जाने के लिए आप शायद गलत दरवाजे से एंट्री ले रहे हैं। देखिए शालिनी जी, बैड मैनर्स महान सिंगर्स को छुप छुप कर नहीं सुना करते। बैड मैनर्स महान सिंगर छुप छुप के गाना गाया नहीं करते। दीपक जी, जी आप कहीं बाथरूम में नहाने के लिए तो नहीं जा रहे ना? नहीं नहीं, बाथरूम में कोई नहाने के लिए जाता है? वहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है, सचिन की बैटिंग चल रही है, वही देखने जा रहा हूँ। एक मिनट, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं पहले नहा लूँ, क्योंकि 9 बजे मेरी एक मीटिंग है, बहुत जरूरी। व्हाट अ कोइंसिडेंस, 9 बजे मेरी भी मीटिंग है बांद्रा में। क्या बात कर रहे, बांद्रा में तो मेरी भी मीटिंग है, डबल कोइंसिडेंस। अब आप मुझे ये ना कहिएगा कि आदित्य कपूर ने आपको बुलाया। How did you know that? मेरी टांग खींच रही है, आपको पहले से ही मालूम है कि मुझे आदित्य कपूर ने बुलाया है। भाई मैं आपकी टांग क्यों खींचूंगी, मुझे आदित्य कपूर के साथ मीटिंग है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ 9 बजे। अब आप ये ना कहिएगा कि उसने अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के सिलसिले में आपको बुलाया है। Of course, उसी चीज के लिए बुलाया है। क्या कह रही हैं आप, इसका मतलब हम दोनों एक ही वक्त पर एक ही शख्स को एक ही जगह पर मिलने जा रहे हैं। दीपक जी ये तो बहुत ही घिसी पिटी कहानी है। वेलकम, नमस्कार। तो ये रही हमारी लव स्टोरी फॉर एवर की बेसिक आउटलाइन। अब कैसे लगी? हाउ डिड यू लाइक इट? फ्रैंकली स्पीकिंग, लाइक इट, आई लाइक इट, या इवन आई लाइक इट। गुड गुड गुड। दीपक जी आपको मैं एक सवाल पूछूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, बुरा क्यों लगेगा। शालिनी जी ये सवाल आपके लिए भी है। प्लीज गो अहेड। क्या आप दोनों ने कभी प्यार किया है? आप कहना क्या चाहते हैं? आपको ऐसा क्यों लगा कि वी आर इन लव? सिर्फ इसलिए कि हम साथ साथ बैठे हुए? नहीं 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 नहीं, आपस में नहीं, अलग 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 अलग। ओह एक्चुअली ऐसा नहीं, खैर जाने दीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ये लव स्टोरी है ना, इट्स अ वेरी सॉफ्ट लव स्टोरी, और समय बहुत कम है, 1 महीना, और इस 1 महीने के अंदर आपको एक बहुत बढ़िया एड कैंपेन चलाना है और आपको जबरदस्त पब्लिसिटी करनी है। इस फिल्म की पब्लिसिटी देखते वक्त लोगों लोगों के दिल में कुछ कुछ होना चाहिए, आप समझे? कुछ 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 करेज। आप काम शुरू कर दीजिए, मटेरियल तो आपके घर पे पहुंच ही जाएगा। लेकिन हाँ एक बात और, आप दोनों के फील्ड्स अलग अलग हैं लेकिन काम अल्टीमेटली एक ही है, पब्लिसिटी। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इस फिल्म की पब्लिसिटी आप दोनों में से सबसे बढ़िया जो करेगा उसके लिए फीस के अलावा 51,000 rupees का बोनस चेक मिलेगा। That's very gracious. That's very kind of you. Good. तो हम चले? प्लीज हाय चलिए। अब शालिनी जी सॉरी, आपका पोस्टल एड्रेस मेरे पास नहीं, वो जरा दे दीजिए। दीपक जी का और मेरा एड्रेस एक ही है। ओह सॉरी, हस्बैंड एंड वाइफ है ना? जी नहीं। अच्छा होने वाले हैं। दीपक भाई यू आर ब्लशिंग। नो कपूर भाई, व्हाट आर यू सेइंग? मुकेम्बू साहब प्रसाद, मुकेम्बू मम्मी उसकी कम यार। अबे क्या भी नकली मुकेम्बू पका क्यों रहा है? मिठाई खाओ ना किस खुशी में। दूसरी आज सुबह मैंने एक पिक्चर देखी जिसमें मोगैम्बो साहब ने हीरो को गोली मार दिया, डेड। राहुल भैया होल्ड इट, एक मिनट। जब आप ये लड्डू लेने गए थे ना तब तक तो मोगैम्बो साहब पहाड़ से गिरकर नो दूसरी मिठाई वापस दे। अबे क्यों? मोगैम्बो साहब गिर गए। अरे गोली भी मारी ना मिठाई। आईना पार्सल उसमें सर। अरे शंकर साहब भाग कर रहे हो, अंदर आइए ना। नहीं नहीं भैया मैं बाहर ही ठीक हूँ।
क्योंकि आज मेरी बीवी ने करवा चौथ का व्रत रखा है मेरी सलामती के लिए और मैं अंदर आकर के उसके इस व्रत को खतरे में नहीं डाल सकता। आपको क्या लगता है हम फिर से झगड़ा करेंगे? अरे झगड़ो गए भैया जब देखो कि इस पार्सल में शालिनी जी और दीपक जी दोनों का नाम लिखा हुआ है। मैं तो चला। ये हमारा है। अबे ला पार्सल लेकर। अरे चुप हो जा। टूटली इसमें मेरे पापा का नाम लिखा हुआ है। पार्सल हमारा है। डबल शर्ट अगर उर्दू स्टाइल में पड़ेगा तो मेरी मम्मी का नाम पहले है। इधर दे। नहीं मुगैम्बो साहब की कसम जान जाए लेकिन पार्सल ना जाए। राहुल 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 ज्वालामुखी के धधकते अंगारों से बोल तुम्हारे मुख में शोभायमान नहीं लगते। मम्मी अंकल क्या बोले? मैं बताती हूँ ज्वालामुखी में कूदने के लिए इनकी फ्रेंड शोभा मान नहीं रही है। उसका दिल धक धक कर रहा है। राइट राइट लेकिन तू इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहा था? पापा पापा इस पार्सल पे आपका नाम लिखा हुआ है। ये टूसली इस पार्सल को छीनने के चक्कर में था। अबे डबल शर्ट इस पार्सल पे मेरे मम्मी का भी नाम है। पहले मेरे पापा का नाम लिखा हुआ है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट मुझे देखो ना देखने दो। राहुल प्लीज फ्रॉम AK प्रोडक्शन। अरे ये उस जॉइंट प्रोजेक्ट का मटेरियल है जो दीपक जी और मैं एक साथ कर रहे हैं। समझे? जॉइंट प्रोजेक्ट जॉइंट प्रोजेक्ट यस यस। आज मद होश हुआ जाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन। सन्नाटा क्यों है भाई? मम्मी पोटिया खानदान के चिराग ये जानना चाहते हैं कि जॉइंट प्रोजेक्ट का लफड़ा क्या है। दरअसल दीपक जी भी लव स्टोरी फॉरएवर की पब्लिसिटी कर रहे हैं। वो टीवी मीडिया के लिए एड कैंपेनिंग कर रहे हैं और मैं प्रेस के लिए। लेकिन पोटिया खानदान के दुश्मनों के साथ हैंडशेक करने से पहले पोटिया खानदान की सीनियर को पोटिया खानदान के जूनियर का ख्याल क्यों नहीं आया? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन तूफान जी इसमें भी कंपटीशन है बेस्ट पब्लिसिटी का। हे राम और आपने हार कर दी। पापा बचपन में कितने अच्छे थे अब जैसे जैसे मैं जवान होते जा रहा हूँ आप बिगड़ते जा रहे हो। अरे मेरी औलादों समझने की कोशिश करो भाई ये मेरा प्रोफेशन है कोई पर्सनल एंजॉयमेंट या दुश्मनी नहीं है। खुशी की ये बात है कि इसमें कंपटीशन भी है जो पापा जीतेंगे। Yes. That is right. मैं अपनी जान लगा दूंगा यार। तुम लोग खाना वाना खा के सो। I'll see you in the morning. मतलब आप नहीं सोओगे? नहीं यार मुझे रात भर शालिनी जी के साथ बैठकर ना स्क्रिप्ट पढ़नी है। साथ साथ क्यों? भाई वो इसलिए क्योंकि वक्त कम है और हमारे प्रोड्यूसर ने सिर्फ स्क्रिप्ट की एक ही कॉपी भेजी है। That is why. कमाल है। क्या हुआ? ये फिल्मी डायलॉग्स कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंटल और मेलोड्रामेटिक नहीं होते हैं क्या? क्यों? देखिए इसमें लिखा है राहुल प्रीति की आंखों में झांक कर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये आंखें हैं या ब्लैक बोर्ड? आगे लिखा है राहुल दीपक जी दीपक जी 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 जी, जी। आगे क्या लिखा है जरा पढ़िए। लिखा है कि राहुल नहीं चाहता कि जमाना उसके और प्रीति के प्यार आप खांसी क्या है भाई? आंटी से काम है। मुझसे? आंटी तूफान आपके कमरे में ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है। जब तक आप नहीं जाएंगी वो पढ़ेगा। अरे आंटी को मालूम है तूफान को कैसे हैंडल करना है। तू क्यों चिंता करता है? तुझे दिखता नहीं शालिनी जी और मैं कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है? पापा गुड्डू क्यों डांट रहे हो? हम तो सिर्फ पोटियास की भलाई का सोच रहे थे। हमारे दिमाग में दूर दूर तक ये आइडिया नहीं आया कि हमारे ये बोलने से आंटी तूफान के साथ बैठेंगी और आप प्राइज जीत जाओगे। खैर हम कहाँ थे। हाँ जी जमाना राहुल और प्रीति के प्यार में दीवार बनने की कोशिश कर रहा था लेकिन राहुल अंकल, आपने गुड्डू को दूध पिलाया? अरे यार वो पी लेगा भाई हमेशा अपने आप पीता रहा है। अंकल उसकी उम्र ही क्या है उसे आपके प्यार की जरूरत है। छुड़वाइए ना तूफान। अच्छा मालूम है मम्मी आज सुबह क्या हुआ? जब वो क्लास में सो रहा था तो नींद में बड़बड़ा रहा था कि काश मेरे पापा मुझे लोरी गाकर सुलाते और 24 घंटे मेरे बाजू में बैठे रहते। तूफान बच्चों किस तरह पालना तुमको अंकल को सिखाने की जरूरत नहीं है।
तुम जाके सो जाओ, समझे? लेकिन मम्मी, तूफान, I said go to bed right now. My God, तो कहाँ थे हम? जमाना, दीपक और शल हमारे पापा को नींद की गोली खिला दी हो। चुप। एक मिनट। Let me make this absolutely clear. हम में से किसी ने नींद की गोली नहीं खाई है। काम करते करते हमारी आंख लग गई बस। Exactly. अब हम लोग जाग गए हैं, इसका मतलब ये साबित होता है कि हमने एक दूसरे को नींद की गोली नहीं खिलाई। Understood? Papa, you sure? I'm bloody sure. Will you go in? क्या? चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? जाओ अंदर। चलो, अंदर जाओ। I'm really sorry. नहीं कोई बात नहीं, आपका कसूर क्या? ये चादर आपने उड़ाई थी? या वो रात को मुझे ऐसा लगा जब आप सो गई कि आपको सर्दी लग रही है, तो मैंने उड़ा दी। थैंक यू वेरी मच। देखिए दिल्ली वाले कोई भी ऐसा काम थैंक यू पाने के लिए नहीं करते, लेकिन कानपुर वाले इस जेस्चर के लिए हमेशा एहसानमंद रहेंगे। भारती, तुम नहाने जा रही हो कि नहीं? क्या टाइम पास कर रही हो? मम्मी, मेरा टॉवल नहीं मिल रहा है। अरे तुम लोगों को नाश्ता देके मुझे जाना है, 10 बजे जरूरी मीटिंग है। भारती, अरे बेटा कहाँ जा रही है बेटा? क्या है पापा, मुझे जल्दी से स्नान कर लेना है, मुझे मेरे नए लिपस्टिक और नेल पॉलिश की ओपनिंग सेरेमनी करनी है। कोई प्रॉब्लम? नहीं, लेकिन तूने सोचा है जब तू नहा के निकलेगी तो फिर किस पोज में निकलेगी? ओ हाँ, वो तो भूल ही गई। ऐसे नहीं, कुछ मजा नहीं आया। ऐसे नहीं, ये भी कुछ जवान नहीं, सिंपल सा है। ओफो, हाँ पापा ऐसे, ये तो दुल्हन लग रही बेटा, मॉडल। हाँ वो ऐसे। मम्मी साबुन खत्म हो गया है। पापा देखे वो भूतनी भाग गए बाथरूम में मेरा मॉडल। अरे सुन तो, मैंने आज अखबार में पढ़ा था कि 12 बजे चांद और सूरज एक ही सीध में आने वाले हैं, वो तेरे मेकअप के मुहूर्त के लिए बेस्ट टाइम है। हाँ, really papa? That's right. Papa, I love you. तो अभी नहा के क्या फायदा? हाँ, है ना? तभी नहा ना। Okay, bye. दीपक जी, कानपुर वाले दिल्ली वालों को फिर थैंक्स कहते हैं। दिल्ली वाले कानपुर वालों का थैंक्स स्वीकार करने से एक बार फिर इनकार करते हैं। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मुझसे बात करके वो उठ ही चला गया। This is highly unprofessional. 2 दिन के बाद आएगा? अरे 2 दिन के बाद मैं उसका आचार डालूंगा यार। Tell him the contract stands cancelled. I don't ever want to work with him. क्या हुआ भाई? किसके नहीं आने की बात हो रही है? शालिनी जी, मेरा आर्ट डायरेक्टर मुझे दगा देके उठी चला गया, और मुझे प्रोड्यूसर को आर्ट वर्क प्रेजेंट करना। Oh no. वांटी, बाहर से तो ओ नो बोल रही हो, लेकिन अंदर से तो फुलझड़ियों की फैक्ट्री में आग लग रही होगी। बड़ों के साथ ऐसे नहीं बोलते। वैसे उसे क्या करवाना था आपको? जी कुछ स्केचेस बनवाने थे जो हम इंटरनेट पे दिखाना चाहते हैं। तो मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? हाँ। वैसे एक पड़ोसी तो पड़ोसी के सुख दुख में काम आता है। लेकिन आपका अपना काम सफर नहीं करेगा? वो तो मैं संभाल लूंगी, आप बताइए आपके दिल में क्या है। शालिनी जी, गुड्डू के सामने ऐसी बात? दीपक जी, मैं तो आपके स्केचेस के बारे में बात कर रही थी। स्केचेस? जी हाँ, स्केचेस ऑफ कोर्स। कुछ ऐसा हो कि मोहब्बत के सारे रंग उभर कर आ जाएं, कुछ कहने की जरूरत न पड़े, आंखों आंखों में इशारे हो जाएं, मुस्कुराहट सारी कहानी बयान कर दे, और उसे देखकर
कुछ पलों के लिए लोग भूल जाएं कि मोहब्बत करने वालों के अलावा भी दुनिया में कुछ और लोग। अरे जल्दी करो गाइस, वी आर गेटिंग लेट। 10 बजे शाप पहुंचना है प्रोड्यूसर के यहाँ। कम ऑन। आई एम रेडी। गुड। ब्यूटी क्वीन। हाय। रश्मि। पापा आगे मैं भी आगे। चलो चलो चलो। अरे गुड्डू कहाँ है? गुड्डू कहाँ है? मैं यही हूँ और शिकायत करने की जरूरत नहीं। चल चल चल। चलो। गुड स्मार्ट बॉय। अरे शालिनी जी, शालिनी जी। हाँ जी। चलना नहीं है? हाँ हाँ, ऑफकोर्स चलना है, चलना है। अरे बोनस क्या इतना भारी मिलने वाला है जो पूरी फौज को ले जा रहे हैं? आंटी बोनस तो हमें ही मिलने वाला है, और मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि उस बोनस से हम वाटर पार्क, फायर पार्क, इश पार्क, मजनू पार्क और हिमालय विमालय घूम के आराम से आने वाले हैं। रियली क्या बात है यार। मैं वो बच्चे जिद कर रहे थे मेरी खुशी में शामिल होना चाह रहे थे, मैंने कहा व्हाई नॉट। सही बात है। आपके बच्चे? मैंने तो अपने बच्चों को स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि दिस इज अ प्रोफेशनल जॉब, वो मेरे साथ नहीं आएंगे। देखा? मम्मी वी आर रेडी। मम्मी जल्दी चलो, देर हो रही है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो भाई? मम्मी अगर ये तीन नमूने जाएंगे तो हम लोग भी जाएंगे। ए गजराज, हम प्रोड्यूसर के घर जा रहे हैं, कोई चिड़िया घर नहीं। देखना वहाँ पर प्रोड्यूसर मुझे देखकर बेहोश हो जाएगा। क्या तू इतनी डरावनी है? अबे ऑरेंज शर्ट, ग्रीन वॉच, खामोश। अगर तुम लोग ऐसे लड़ोगे तो मैं किसी को नहीं लेके जाऊंगा। गुड गेट, चलिए बात, जाओ जाओ अंदर जाओ। हम झगड़ कर रहे हैं पापा, वी लव ईच अदर। बैठ जाओ, क्या हो रहा है ये? बैठ जाओ, ठीक से बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। बैठिए बैठिए, इनफ बैठिए, नो प्रॉब्लम। बड़े प्यारे बच्चे आपके, आप रख लीजिए। नो थैंक्स। लेकिन दीपक जी आपने तो कमाल कर दिया, मेरी इस फिल्म को जितनी पब्लिसिटी मिली है आज तक किसी भी फिल्म को नहीं मिली। थैंक यू। आपके जो फीस तय हुए थे वो आपको दे देता हूँ पहले, ओके? लिख के रखा मैं, श्री दीपक मल्होत्रा 1,01,000 आपके कंपनी के नाम। थैंक यू। और शालिनी जी आपका चेक 1,01,000। सर बोनस की बात आप भूले नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डोंट वरी, बढ़िया पब्लिसिटी के लिए जो बोनस दिया जा रहा है उसके हकदार बनते हैं श्री दीपक मल्होत्रा। yes! पापा चेक आप अपने नाम से ही लेंगे? नहीं है कपूर साहब, आपसे एक बात पूछनी थी जी। आपको सारे कैंपेन में सबसे बढ़िया बात क्या लगी? एवरीथिंग एवरीथिंग वॉज गुड, द कॉन्सेप्ट वॉज गुड, आपने नेटवर्क का भी बहुत अच्छा यूज किया था, एंड स्पेशली द आर्ट वर्क वाज ब्यूटीफुल, फैबुलस। वो तो होना ही था क्योंकि वो शालिनी जी ने किया। क्या जी? हाँ। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बोनस के हकदार, आधी हकदार शालिनी जी ने? आई डोंट माइंड एट ऑल। नो बट आई माइंड। दीपक जी मैंने तो आपकी जेन्युइनली मदद की थी, दिस इज नॉट फेयर। शालिनी जी मैं भी उस जेन्युइन मदद को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। पापा दिस इज नॉट फेयर। दिस इज फेयर, कीप क्वाइट। सर ये आपका चेक 25,500, और शालिनी जी दिस इज योर 25,500। तूफान भारती, व्हाट इज दिस? सुनो जी, एक बात पूछूं? पूछिए। फ्यूचर के बारे में आपने कुछ सोचा? फ्यूचर नहीं, शालिनी जी एंड यू बोथ ऑफ यू मेक अ क्यूट कपल। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.